हेलो एंड नमस्कार। आपका ट्विन फ्लेम यानी कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी ये जो फ्लिप होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी एनर्जी किस तरह की हो रही है। आज फ्लिपिंग के बारे में तो नहीं बता रही, लेकिन फिर भी ये बीच में ऐड कर देती हूँ कि ये जो जर्नी है, आप जब उनसे भाग रहे होते हैं तो वो एक एनर्जी चेजिंग ही होती है, लेकिन इस रनिंग एंड चेजिंग को रोकना ही हमारा मेन काम होता है। नहीं तो ये आपकी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा ब्रेथलेस बना देगी। ऐसा लगेगा कि सांस ही नहीं आ रही है, सब कुछ रुका रुका सा और सब कुछ ख़त्म सा महसूस होता है। और ये तभी होता है जब आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपको इग्नोर करता है, छोड़ कर जाता है, बात नहीं करता है और किसी भी तरह से आपका जो मेंटली इमोशनली आपके जो वूंड्स हैं उसको हील नहीं कर पाते हैं। आपका जो मेन फ़र्ज़ है वो आपके अपने इमोशंस को हील करना है, ना कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको हील करेंगे। इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपके इमोशंस सिर्फ आपने ही समझने हैं। आपके इमोशंस को आपका ट्विन फ्लेम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत सारे ढेर सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बंधन होते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स कुछ ज़्यादा ही तकलीफ में रहते हैं, कुछ रहते हैं जिनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड रहता है, जिनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड रहता है, जिस वजह से वो अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपने ट्विन फ्लेम को अगर आपने मतलब पूरी तरह से जान लिया है कि हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है, उनको या डिवाइन मस्कुलाइन है, उनको इस तरह की वीडियोज़ भेजना बंद करें, खुद से ना भेजें। अगर अभी आप पहले भेज चुके हैं और अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन भेज दिया है ना तो उनको पोक मत करें, सुनो सुनो देखो कितना अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ बता रहे हैं, सुनो इसे, पढ़ो इसे। वो नहीं सुनेंगे, समझेंगे क्यों? क्योंकि आप उनको नहीं समझ रहे हैं, आप उनके चाइल्डहुड वूंड्स को नहीं समझ रहे हैं और उससे पहले आप अपने तरफ नहीं मुड़ रहे हैं, आप अपने चाइल्डहुड वूंड्स पर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना जो यंग एज का जो वूंड है उसको उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आपका जो अपना अडल्टहुड का जो वूंड्स हैं उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अडल्टहुड के वूंड्स क्या होते हैं? वो यही होते हैं जिसमें कि आप काफ़ी डिस्कम्फर्ट जोन में रहे, जिसमें कि आपको आइसोलेटेड फील हुआ, जिसमें कि आपको वर्थलेस वाली फीलिंग दूसरों ने दी और जिसमें कि आपको ये लगा कि बस अब जीवन ख़त्म करने का ही समय है, अब मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अडल्टहुड के वूंड्स और क्या हैं? वो यही हैं कि आपका जो साइकिल है वो बार बार रिपीट होता है, चाहे वो जगह छोड़ने का हो और वापस उसी जगह पर आ जाने का हो, चाहे कुछ कुछ और ही रीज़न हो, या दोस्ती यारी छोड़ना हो और फिर उसी तरह के रिलेशनशिप में आ जाने का हो। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं या टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। सिर्फ मैसेज करें और पता करें कि इसकी क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइए। आगे बात करते हैं कि आपके जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आप समझ सकते हैं, आपका जो प्रेम है वो आप समझ सकते हैं, तो फिर क्या ट्विन फ्लेम नहीं समझ सकता? समझ सकता है, ट्विन फ्लेम समझते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। आप कहेंगे कि प्लीज़ बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो इतने टाइम से हम साथ में रह रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ बोलते, एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? वो कहेंगे कि मैं क्या 3 वर्ड्स बोल दूँ, इससे क्या हो जाएगा? बहुत से लोग 3 वर्ड्स पहले ही बोल देते हैं फर्स्ट मीटिंग में, यू आर फैबुलस, यू आर अमेजिंग, यू आर, यस आई लव यू, और उससे भी ज़्यादा कुछ, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? रेड फ्लैग्स हो जाते हैं। वो रेड फ्लैग्स आप समझ सकते हैं लेकिन तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप एक बार वापस से गड्ढे में नहीं गिरते। गड्ढे में गिरना का क्या मतलब? मतलब यही कि आपकी जो एनर्जी है अभी बैलेंस्ड नहीं है, आप यही किसी और से सुनना चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, रियलिटी लेकिन वो नहीं है। उस व्यक्ति को पता है जो आपको चीट कर रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं अच्छा ये सुनना चाहती है, ये बोल दो, और आप फूल के कुप्पा हो गए, ठीक है। एंड देन फिर आप उनके साथ मिंगल हो गए, अब मिंगल हो गए तो सडन उनको जो चाहिए था वो मिल गया, एंड देन बाय बाय, टाटा बाय बाय। फिर हार्ट ब्रेक क्यों होता है? इसीलिए होता है, क्यों अधिकतर ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा अब देखने सुनने को मिलते हैं? उसका रीज़न 1970s की बात है, 1970s से जो चला आता है कि उस समय में यह था कि अब लेडीज़ ने भी काम करना है, औरतें भी काम करेंगी, लड़कियां भी जॉब करेंगी। जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो शादी के बाद भी वो जॉब करने लगे, तो माता पिता दोनों ही जॉब करने लगे। ठीक है कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो टूटने लगी फैमिलीज़। जब वो फैमिलीज़ टूटने लगी, वो सिंगल न्यूक्लियर फैमिली में बदल गए, तो वहाँ पर क्या रह गया?
एक या दो बच्चे और साथ में माता पिता। माता पिता कौन? जो कि बाहर जा रहे थे। अब दोनों बच्चों में वो इस तरह की नेगेटिविटी, इमोशनल्स और मेंटल और फिजिकल सपोर्ट था ही नहीं। अब कब कब क्या बात करें क्या ना करें, बच्चों को पता ही नहीं है कि स्कूल से आए और माता पिता को पास इतना टाइम ही नहीं है कि हाउ वॉज योर डे ये पूछें, टाइम ही नहीं है। या फिर उस समय में ये भी रहता था, जो जॉब नहीं करने दिया जाता था जिस स्त्री को, जो एबल भी थी, तो उसको उसके ऊपर जिम्मेदारी बच्चों की ही इतनी होती थी कि भाई बच्चों को छोड़कर इस तरह से क्या करें, तो वो घुटती रहीं, विक्टिम मेंटालिटी में रहीं। तो विक्टिम मेंटालिटी में रहना, जिसकी भी मदर रही जैसे मेरी भी रही, तो वो अच्छा नहीं था। वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता एक नए बच्चे के ग्रोथ के लिए। नए बच्चे की ग्रोथ के लिए एक माँ भी पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह से रेडी रहनी चाहिए एक बच्चे के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आप जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो आप अपने आपके बच्चे भी हैं, बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। एक तरह से आप वो नेगेटिव कर्मा उधर क्रिएट करेंगे और फिर इधर से आप ट्विन फ्लेम के पीछे भागेंगे, वो दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हो गया कि अपने पार्टनर को इग्नोर करना। इग्नोर किसी भी तरह से हो सकता है, जब तक इच्छा है तब तक आप उनके साथ रह सकते हैं फिजिकली भी, और नहीं होती है तो फिर अगर है ही आपके उसमें अलग होना, तो वो अलग होना भी हो जाता है। तो ट्विन फ्लेम, वही मैं कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी हर एक बात को इग्नोर करता है, हर एक बात को काटता है और आपकी किसी बात को, अच्छी बात को भी नहीं सुनता है, आपकी भेजी गई वीडियोस और समझाइश को भी नहीं समझता है। तो रहने दीजिए, पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता। जिस तरह से एक टीचर एक बच्चे को लगातार कहती रहे ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये पढ़ के आना है, रट के आना है, रट्टा नहीं मारा तो कुछ नहीं होगा और दिस एंड दैट, उसका ध्यान है किसी ड्राइंग में, किसी फिलॉसफी में, किसी कविताओं में, उसका ध्यान उसमें, और वो जो अगला सब्जेक्ट का टीचर आएगा वो उसे पटापट मारेगा और कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है। तो जहाँ बच्चे का ना तो घर में कोई अच्छे से लालन पालन हो रहा है, ना ही स्कूल्स में कोई ध्यान दे रहा है, फिर ट्यूशन में धक्का दे के भेज दिया जाता है कि जा होमवर्क कंप्लीट करके आ, तो बच्चा तो घूम रहा है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है अपने आप में, अपने जीवन से भी संतुष्ट नहीं है और साथ ही साथ वो डिपेंडेंट है सब पर। उसके पास उतनी ताकत, उतनी सामर्थ्य, उतना पैसा कमाने की बुद्धि शक्ति है ही नहीं। तो वही अगर आप बालक हैं और वो धीरे धीरे आप इस तरह से बड़े हैं, तो आप चाहे कितनी ही अच्छी एजुकेशन आपने पाली, अच्छी सी जॉब भी अब आप करने लगे, लेकिन जो पर्सनैलिटी है, पर्सन शब्द से पर्सनैलिटी शब्द बना है, यानी कि स्व, आपका जो स्व है वो कुछ नहीं बनेगा, वो अंदर ही अंदर खोखला है। स्व आत्मा, आत्मा आपकी ये नहीं चाह रही थी जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ने के लिए बोला, जहाँ जिस कोर्स को जाने के बोला, जो कॉलेज में जाने के लिए बोला, वो आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वो हुआ ना, वो हुआ तो इसीलिए आपके अंदर वो एक तड़प थी कि मुझे कुछ करना है, जो करने नहीं दिया गया। ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपको ये महसूस होता है कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, तो ये वाली चीज़ें रहती हैं। और वो जो इग्नोर करते हैं आपको, आपने उन तक तो पहुँचे नहीं, आपके अपने वुंड्स हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं हमारा ईगो होता है। बहुत लोग कहते हैं नहीं हम डिवाइन फेमिनिन ईगो में नहीं रहती, ईगो रहता है, इसको ईगो ही कहते हैं, स्वार्थ जैसे कहते हैं, ये मेरा स्वार्थ है कि मुझे ना प्रेम किसी और से चाहिए, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वहाँ से चाहिए, वहाँ से चाहिए, वहाँ से कौन डिवाइन मैस्कुलाइन से प्रेम चाहिए, मेरे पास है नहीं ना, वो दे देगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी। आपने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं कि वो भी तो इनकम्प्लीट है, सामने वाला डिवाइन मैस्कुलाइन भी तो इनकम्प्लीट है, उसके भी तो चाइल्डहुड वुंड्स हैं, उसके भी तो एडल्टहुड वुंड्स हैं, उसके भी तो बहुत सारी परेशानियां हैं, और बींग ए मैन अगर हैं तो उनकी और अलग ही तरह की परेशानियां हैं, अलग ही तरह की उनकी अपनी परेशानियां होती हैं, बाहरी दुनिया से रिलेटेड, हमारी अपनी इमोशनल अंदरूनी दुनिया से रिलेटेड परेशानियां होती हैं। दोनों ही अपोजिट हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही अपोजिट हैं, लेकिन ये अलग अलग प्राणी तो नहीं है ना, अलग अलग ग्रह से नहीं आए हैं। वो बोला जाता है मार्स एंड वीनस, बट एक ही ग्रह में तो रह रहे हैं, पृथ्वी में तो रह रहे हैं, और स्पीशीज़ कोई अलग अलग थोड़ी हैं, ह्यूमन बीइंग वाली ही तो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ सेम है, लेकिन अपोजिट एंड पोलैरिटी इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन जो वो प्रेम में बदलते हैं और फिर वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो एक में खोने में समय लगता है, उनकी मस्कुलाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा रहती है, इधर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसलिए स्त्री हर तरह के काम कर लेती है, इमोशनली जुड़ी रहती है। पिता को नहीं पता चलता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, माता को पता चल जाता है सोए सोए में कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, वो एकदम फीलिंग आती है, वो क्या इंट्यूशन पावर होती है, वो जुड़े होते हैं, हार्ट चक्र, नेवल चक्र, इन सब से जुड़े होते हैं। हार्ट चक्र से तो आपका ट्विन फ्लेम भी जुड़ा होता है, मैडम फिर वो क्यों नहीं समझता है? वो समझते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको प्रेम नहीं करते हैं। प्यार है, लव इज इन द एयर वाली बात रहती है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करें, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और बहुत सारी बातें हैं। हर कोई तो फ्री नहीं है ना कि हाँ भी मैं भी फ्री हूँ, आप भी फ्री हो, चलो भी बात करते हैं, घर में रहते हैं या घर पे बात करते हैं और यस हो जाएगी। इतना इजी तो कुछ भी नहीं है, सिंपल लव कनेक्शन भी नहीं है। फिर ये तो अगर अलग अलग स्पाउस से मैरिड होते हैं और इतना ह्यूज एज गैप होता है 15-20 साल का भी, तो भी कैसे हो सकता है, तो भी समस्याएं आती हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझने से पहले कि मेरा ट्विन फ्लेम, ये सवाल करने से पहले मेरा ट्विन फ्लेम मुझे इग्नोर क्यों करता है, मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझता है, पहले आप अपनी फीलिंग्स को समझिए, अपने वूंड्स को समझिए, फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के वूंड्स और उनके पिछली बातों को समझने की कोशिश करें। फिर आप देखेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज तो हैं, दोनों के ही ट्रॉमाज एंड कष्ट बराबर बराबर हैं। फिर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा आगे इवॉल्व हो गई हूँ, ये ऐसा लगता है, लेकिन वो भी तो हुए हैं, वो दूसरे तरफ दूसरे एस्पेक्ट्स में हुए हैं। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस होना होता है। तो वो दूसरे एस्पेक्ट में हुए हैं, वो इमोशनल एस्पेक्ट में नहीं हुए हैं, तो दोनों का बैलेंस होना होता है, इमोशनली एंड मेंटली एंड आपका फाइनेंशियली भी। इधर इसीलिए ये बोला जाता है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस है उसे भी अपने लिए फाइनेंशियली काम करना चाहिए, जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े, जिससे कि उसका अपना काम भी, उसे भी समझ में आए कि व्हाट इज़ माय वैल्यू। जब वो खुद की वैल्यू करने लगेगी तो ही वो सब काम करेगी। बहुत लोग ये कहते हैं नहीं, DF को कोई मतलब नहीं होता है पैसों से। हाँ नहीं होता है, तभी तो लुट जाती है पूरी तरह से, तभी तो पूरा बैंक अकाउंट सब खत्म हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे क्या पैसे से क्या करना है। वही जो बातें जो हमने सुनी होती है, पैसा हाथ का मैल है, दिस एंड दैट, पैसा तो आता जाएगा, आता जाता रहता है, तो डिवाइन फेमिनेंस के हाथ से हमेशा जाता जाता ही क्यों रहता है, ये चीज़ सोचना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए मर जाओ, और जिनके लिए आपने मर जाते हो ना, मर मर के काम कर देते हो, पैसा भी लुटा देते हो सब कुछ, फिर आपको क्या लगता है जब आप मर रहे होंगे तो फिर क्या वो कोई और आपकी हेल्प करने आएगा जिनकी मदद की थी? कोई भी नहीं आता है, वो नहीं आते हैं वापस, वो सिर्फ लेने वाले होते हैं, वो टेकर होते हैं। तो डू नॉट बी अ टू मच गिवर, मतलब गिवर बनने की ज़रूरत नहीं है, टू मच गिविंग, जितना है थोड़ा अपने लिए बचाएं, थोड़ा आगे के लिए बचाएं, थोड़ा सामने वाले को दे दें, नो प्रॉब्लम। नहीं दिया जा रहा है, नहीं हो सकता है, तो ना भी कहना सीखें, ये सारी बातें सीखनी होती हैं। अभी बात बुरी लग सकती है, अगर आप टू मच इमोशनल हैं तो बुरी बात लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा तो नहीं बोल गई। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना, हैप्पी ट्विन फ्लेम जर्नी, ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 2024 में आपने नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं जाना है, कसम खा लीजिए।